एक बार फिर आप सबका वेलकम है टीआरके न्यूज के फेसबुक लाइव में। और हम अभी फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल कोकरनाग के एनकाउंटर को, और कोकरनाग में जो एनकाउंटर चल रहा है जिसमें हमने आपको ऑलरेडी अपडेट दिया है, उसमें मजीद अपडेट ये है कि डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी विजय कुमार अभी अभी बस उस स्पॉट पर पहुंचने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सोर्सेज ये कहते हैं कि डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी विजय कुमार स्पॉट पर, यानी कि जहां पे एनकाउंटर चल रहा है, बिल्कुल उसी स्पॉट पर पहुंचने जा रहे हैं। जीओसी 15 कॉप्स भी स्पॉट पर जाने की बिल्कुल तैयारी में है और बिल्कुल उस स्पॉट पे पहुंच गए हैं। अगर बात डीजीपी दिलबाग सिंह की करें तो डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी विजय कुमार जस्ट अभी उसी स्पॉट पे कोकरनाग के उसी इलाके में पहुंचने वाले हैं। अगर आपको इस कोकरनाग के अपडेट के बारे में बताती चलूं तो एक एनकाउंटर होता है मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान कोकरनाग में, साउथ कश्मीर के गदोल एरिया, यानी कि अनंतनाग के गदोल एरिया कोकरनाग में जो आता है उसी एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेज पे हमला बोला जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेज को कुछ लीड होती है, उन्हें अंदेशा होता है कि हाइड आउट में कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स जो है छुपे हुए हैं, और बिल्कुल फौरन ही मिलिटेंट्स को जब बनक लगती है कि बाहर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी के अधिकार हैं, तो वो ओपन फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और इससे जो है एक गन फाइट ट्रिगर हो जाती है, जिसमें हमारे पास जो अपडेट आई थी वो ऐसे भी थी कि डीएसपी आर्मी ऑफिसर और तीन और एहलकार जो है, तीन और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है, सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार तीन जो है वो भी इस एनकाउंटर में जो है जख्मी हो रहे थे। कल हमने आपको जब राजौरी का अपडेट दिया था जिसमें हमने आपको ये भी कहा था कि नरला राजौरी में एनकाउंटर चलने के दौरान एसपीओ विशाल जो है, विशाल सिंह को भी जो है उन्हें शदीद चोटें पहुंची थी, तो उसके बाद कुछ ऐसी न्यूज फैलने लगी थी जिसमें कहा जा रहा था कि उनका डिमाइस हो चुका है, यानी कि वो जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर अब हमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस से, यानी कि राजौरी से बिल्कुल ये खबर निकल के आ रही है कि अगर हम इस इन्फॉर्मेशन की बात करें एसपीओ विशाल सिंह की, जो कि इंजर्ड हुए थे कल ऑनगोइंग एनकाउंटर में, जब नरला एरिया राजौरी में एनकाउंटर चल रहा था, वो जो है अभी स्टेबल है और 150 जीएच राजौरी के अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और फिलहाल के लिए स्टेबल है और डेंजर से बाहर। ये दो अलग अपडेट्स मैं आपको दे रही हूँ। कल राजौरी में हमने जो अपडेट आपको देना था वो ये था कि राजौरी में एनकाउंटर चल रहा है, और अभी की जो आज की अपडेट थी वो थी कोकरनाग में ये एनकाउंटर जो चल रहा है। और अगर हम बात करें राजौरी के एनकाउंटर की, तो उसमें हमें खबर सुबह ही मौसूल हुई थी कि एसपीओ जो है विशाल सिंह, उन्हें जो है चोटें आई हैं, तो उसके बाद खबर यूं भी आई थी कि ये जो है लुकमा अजल हो चुके हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अभी जिंदा है, स्टेबल है, और जो है सूत्रों के अनुसार ये भी खबर आई है कि आउट ऑफ डेंजर भी है। और ये सोर्स जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस राजौरी से ही है, ये सोर्स मिला है, और ये भी चेतावनी यानी कि वार्निंग दी गई है कि इनके र्यूमर्स का, ये जो है फॉल्स एलिगेशंस आप लगा रहे हो, फॉल्स डिमाइस के जो आप बातें कर रहे हो, ये बिल्कुल राजौरी पुलिस आपको वार्न कर रही है, र्यूमर मॉन्गर्स को वार्न कर रही है कि वो ये फॉल्स न्यूज ना फैलाए, और अगर ऐसा कुछ होता है और वो ये फॉल्स न्यूज फैलाते हैं तो स्ट्रांग हैंड्स एज पर लॉ उनसे जो है काम लिया जाएगा। तो अभी की अगर बात करें ऑनगोइंग ऑपरेशन जो कि कोकरनाग में चल रहा है, एनकाउंटर जो कि कोकरनाग में चल रहा है, तो उसकी अगर बात करें तो डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी विजय कुमार अभी स्पॉट पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कोकरनाग का रुख उन्होंने किया है, और जीओसी 15 कॉप्स जो है वो भी स्पॉट पर पहुंच गए हैं। अगर बात करें इस कोकरनाग गन फाइट की, तो डीएसपी आर्मी के ऑफिशियल्स के साथ साथ तीन सिक्योरिटी एहलकार भी इस ऑनगोइंग कोकरनाग एनकाउंटर में जो है जख्मी हो चुके थे। और आपको ये बता दूं फिर से हमारे लाइव व्यूअर्स के लिए, मैं रिपीट कर दूं कि एनकाउंटर चल रहा था मिलिटेंट्स और गवर्नमेंट फोर्सेज के दरमियान, हमने आपको इससे पहले भी अपडेट जो है दिया था, आपके लिए फिर से रिपीट करना चाहूंगी, जो ये एनकाउंटर था ये गदोल एरिया में चल रहा था कोकरनाग के, साउथ कश्मीर के अनंतनाग में। रिपोर्ट्स जब पहुंची, जब मीडिया अधिकारों तक की रिपोर्ट आई, तो पुलिस ने कहा कि पूरे एरिया को कॉर्डन भी किया गया है और सर्च ऑपरेशन पूरे के पूरे कोकरनाग में चालू है, जिसमें ज्वाइंट टीम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की, चाहे हम सीआरपीएफ की कहें, आर्मी की कहें या पुलिस की कहें, उनके पास एक अंदेशा था कि हाइडिंग मिलिटेंट्स जो है एक स्पॉट पर है। जब वो स्पॉट पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद अंदेशा ये लगाया जाता है कि इसी जगह पे मिलिटेंट्स जो है मौजूद है, और जब मिलिटेंट्स को ये बनक लगती है तो ओपन फायरिंग मिलिटेंट्स जो है वो सिक्योरिटी के अहलकारों पर करते हैं, जिसमें एक गन फाइट जो है वो हो जाती है, यानी कि एनकाउंटर जो है वो ट्रिगर हो जाता है, एक गन फाइट ट्रिगर हो जाती है। अगर सीनियर ऑफिशियल्स की माने तो सीनियर ऑफिशियल्स ने मीडिया को ये भी कहा कि ये फायरिंग जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के दरमियान
पहचान हुई थी और पहली फायरिंग जो थी वो मिलिटेंट्स ने ही ओपन फायर किया था। राजौरी नरला से आपको बता दिया हमने कि एसपीओ विशाल सिंह जो है उनके मरने की खबर या उनकी डेथ की खबर जो है फॉल्स है। मीडिया में जो भी खबर चल रही है कि उनका डिमाइस हो चुका है ऐसा बिल्कुल नहीं है और राजौरी पुलिस ने वार्न किया है अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उनपे जो है शिकंजा कसा जाएगा अगर ऐसी फॉल्स न्यूज कोई भी फैलाता है। और अगर हम खतरनाक के एरिया की बात करें तो डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी विजय कुमार स्पॉट पर पहुंचने वाले हैं। हमारी रिपोर्ट से कह रही है कि जीओसी 15 कॉप्स जो है स्पॉट पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो अगर हम इस एनकाउंटर की बात करें कर नरला राजौरी में एनकाउंटर था आज कुकरनाग में एनकाउंटर चल रहा है तो नरला राजौरी की अगर बात करें उसमें हमने आपको अपडेट भी दिया था कि जो स्नाइपर डॉग है वो भी जो है मर गया था और उसमें यानी कि सिक्योरिटी एहलकार भी जो है वो भी लुकमय अजल बताया जा रहा था। तो अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस राजौरी से ये खबर मौसूल होना कि अगर हम किसी की भी यानी कि एसपीओ विशाल की एक खबर जो है निकल के बाहर आ रही थी कि वो फॉल्स है अगर हम ऐसी कोई खबर स्प्रेड करते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली और मीडिया को जो है बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना है कि कोई भी अपने पोर्टल्स या चैनल्स पे ऐसी कोई खबर ना चलाए जिसमें ये बताया जा रहा हो कि एसपीओ विशाल सिंह जो कि राजौरी में एनकाउंटर के दौरान जख्मी हो गए थे उनकी डिमाइस की कोई भी खबर नहीं आ रही और उनपे जो है शिकंजा कसा जाएगा अगर ऐसी कोई भी खबर बाहर सुनने को या देखने को हमें मिलती है। और अगर अभी की बात करें तो अभी के कोकरनाग एनकाउंटर जो है अभी भी ऑन गोइंग है। पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है, पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाइड आउट जो मिलिटेंट्स का है, जब सिक्योरिटी के अहलकारों को पता चला कि मिलिटेंट्स कहीं ना कहीं यहां पे ही होंगे तो मिलिटेंट्स ने बिल्कुल ओपन फायर कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। और अब जो है बात यहां तक आई कि अभी तक ये एनकाउंटर जो है चल रहा है। अब माने कि बिल्कुल सरेंडर करने का भी कोई भी ऐसा जो है बातचीत बिल्कुल भी नहीं हुई थी। जो ही सिक्योरिटी के अहलकार वहां पे पहुंचे थे तो मिलिटेंट्स ने ओपन फायर कर दिया और जिससे सूरत हाल एनकाउंटर की बन गई। और उसके बाद जो है ये अपडेट है कि डीजीपी दिलबाग सिंह एडीजीपी विजय कुमार जस्ट अभी अभी निकले हैं और वो कोकरनाग के उस स्पॉट पर पहुंचने की तैयारी में। और अगर बात जीओसी 15 कॉप्स की करें तो वो ऑलरेडी उस स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। ये थे दोनों एनकाउंटर्स के अपडेट। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहे टीआरके न्यूज़।